नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक्सीलेंट करियर के चैनल में। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट करियर को। मेरा नाम है यश। सब्सक्राइब कीजिएगा एक्सीलेंट करियर को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले। ट्राइसैकेराइड कहलाता है। जैसे क्या कहता है वो, बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर, मतलब जब इनका इन कार्बोहाइड्रेटों का जल अपघटन किया जाता है। मोनोसैकेराइड की तीन समान, मतलब ये अगर तीन देंगे या असमान तीन अणु देते, तीन समान देंगे या तीन असमान अणु देते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइसैकेराइड कहा जाता है या कहलाता है। एग्जाम्पल है, रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है। यह जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के तीन अणु देता है। कितने अणु देता है? तीन अणु देता है। C18H32O16+2H2O हाइड्रोक्साइड, C6H12O6+C6H12O6+C6H12O6। अब आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? ट्राइसैकेराइड किया गया है, तो इसका ये एग्जांपल हो गया। अब उसके बाद है थर्ड, इसका पॉइंट क्या है? थर्ड है टेट्रासैकेराइड। मतलब क्या बताया गया? अभी हमने आपको क्या बताया था? ट्राइसैकेराइड। अब क्या बताएंगे? टेट्रासैकेराइड, बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के चार समान या असमान अणु देते हैं। कौन कौन से अणु देते हैं? बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड, मतलब मोनो टेट्रासैकेराइड के चार असमान या समान अणु देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टेट्रासैकेराइड कहते। अब इसका एग्जांपल है, स्ट्रैचियोस एक टेट्रासैकेराइड है जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो अणु ग्लूकोज तथा दो अणु फ्रक्टोज के देता है। अब इसका एग्जांपल देखो क्या है, C24H42O21+3H2O गिव्स आउट C6H12O6+C6H12O6। ये आपका एग्जांपल हो गया है। ये आपका ग्लूकोज हो गया, इधर फ्रक्टोज हो गया। इसके दो अणु है, निकल गया है। कितने अणु हैं? दो अणु इसमें भी हैं, दो अणु इसमें भी हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, C24H42O21+3H2O गिव्स आउट टू C6H12O6+2C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज के दो अणु हैं इसमें, ये देखो है, और इसमें दो फ्रक्टोज के दो अणु हैं, ठीक। अब इतना हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है फोर्थ, पॉलीसैकेराइड। अब कौन सा सैकेराइड आया है? पॉलीसैकेराइड, बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर, मतलब जल अपघटन पर वन से लेकर 3000 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ देते हैं। पॉलीसैकेराइड कहलाता है, मतलब एक से लेकर ये 3000 तक मोनोसैकेराइड दे देता है। कौन कौन से सैकेराइड दे देता है? मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ, मतलब इकाइयाँ दे देता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5N, एन का मतलब इसे संख्या प्रदर्शित करता है, इसे एन लिख दिया जाता है, होता है, जहाँ एन बराबर 1 से लेकर 3000 मोनोसैकेराइड हैं। क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। अब इसका एग्जांपल है स्टार्च, इलुलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आदि, ठीक। ये आपके एग्जांपल हो गए। अब इसका एग्जांपल देखो क्या है, C6H10O5 कोष्टक में एन का मतलब यहाँ पे कोई सी संख्या आप रख सकते हैं। NH2O हाइड्रोक्साइड करने पर NC6H12O6, ये आपका स्टार्च हो गया, ये आपका जल हो गया H2O, और ये आपका ग्लूकोज हो गया। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है आपका, अपचायक गुणों के आधार पर, मतलब अपचायक गुणों के आधार पर, अभी आपने दूसरे गुणों के आधार पर पढ़ा था, अब क्या पढ़ोगे? अपचायक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को अपचायक गुणों के आधार पर अपचायी शर्कराएँ तथा अनपचायी शर्कराएँ में वर्गित करते हैं, मतलब जो पच जाती हैं और जो नहीं पचती हैं उनमें वर्गित ये कर रहा है। उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, देखो कौन सा है आपका, फर्स्ट हेडिंग है अपचायी शर्कराएँ, बे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग बिलियन, बेनेडिक्ट बिलियन को
अपचयित कर देती है, उन्हें अपचायी शर्कराएं कहते हैं। कौन कौन सी विलयन अपचयित कर देती है? वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन कॉमा बेनेडिक्ट विलयन को अपचयित कर देती है, उन्हें अपचायी शर्कराएं कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज कॉमा गैलेक्टोज आदि, ये आपकी ये हेडिंग हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग क्या है, अनपचाई शर्कराएं, मतलब जो शर्कराएं नहीं पचती हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन बेनेडिक विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, उन्हें अनपचाई शर्कराएं कहते हैं। कौन सी शर्कराएं कहते हैं? अनपचाई शर्कराएं कहते हैं। एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इलुलिन आदि।